हाय गाइस, वेलकम बैक टू मोडिफाई ब्लॉग्स। मैं हूं मितनाज क्यूटी। हम करने वाले हैं इंस्टॉलेशन अपनी बाइक में। मिरर्स, ये है मिरर्स। अभी देखो स्टॉक वाले मिरर्स लगे हैं ना, सो इनके साथ मेरा बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि जब टूरिंग करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होती है, एंड यू हैव सीन दैट राइड्स में किस तरह से इन्होंने परफॉर्म किया है। कभी लूज़ हो जाते हैं, कभी इतना वाइब्रेशन होता है कि पीछे का कुछ भी व्यू क्लियर नहीं आता है इनमें। सो अभी मैं चेंज करने वाला हूँ, और मेरे साथ हेल्प करेगा मेरा फ्रेंड अनुज। सो हम दोनों मिलके आज लगाने वाले हैं ऑटो बर्ड के ये मिरर्स हैं, जो कि हम इंस्टॉल करेंगे अपनी बाइक में। अभी देखो थोड़ा सा कंडीशन ऐसा है कि मेरे को ये जो है ना, ये देख रहे हो, ये है सीधा मिरर के साथ अटैच्ड, और यहाँ पे ये भी मिरर के साथ अटैच्ड है। तो मैं स्टॉक वाले मिरर को अभी हटा नहीं रहा हूँ, इनको लगे रहने दूँगा। साथ ही साथ मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ, ये जो है बार एंड में, सिंपली इसको लगा के देखते हैं किस तरह से परफॉर्म करते हैं। इसके बाद एक टेस्टिंग करेंगे कि मिरर सही है कि नहीं। अगर सही रहेंगे तो इनको रहने देंगे और फिर इसको निकाल देंगे। लेट्स सी कैसा रहता है। अभी बढ़ते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ, तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह की ये मिरर्स हैं। सो गाइज, ये है मिरर्स जिनकी मैं बात कर रहा था, ऑटो बर्ड्स के। सो ये देखो, सो दीज आर द मिरर्स, और ये पूरा मैट ब्लैक है। इसमें एक क्रोम वाले भी आते हैं, बट मेरे को अपनी बाइक से मैच करना था, इसलिए मैंने ये ब्लैक वाले लिए, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब इसको लगाते हैं, एंड उसके लिए थोड़ी चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो फिटिंग है ना, ये डायरेक्ट अपना हंटर रिबॉन और क्या बोलते हैं, मीटोर के साथ जाता है। अपनी पुरानी क्लासिक है, 2018 मॉडल, तो इसमें थोड़ा सा चेंज ये करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बोल्ट जो आता है बड़ा वाला आता है, एंड ये जो बोल्ट है ये छोटा बोल्ट है, ये डायरेक्ट फिट नहीं होगा। तो इसके लिए एक काम करेंगे हम, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। सो ये बोल्ट को हम यहाँ से खोल देंगे, कि ना बड़ा वाला बोल्ट हम डाल के एक बार चेक करते। तो पहले मैं ये वाला निकाल देता हूँ बार एंड, तो मैं बार एंड को निकालूंगा, इसके बाद आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, हमने निकाल लिया बार एंड का, ये वाला जो बोल्ट था ये निकाल लिया अपन ने। अब देखो इसके अंदर से तो पास हो जा रहा है, बट यहाँ पे ये पास नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जो अंदर वाला जो रिम है ना, वो थोड़ा सा छोटा है, तो इसको हम ड्रिल करके थोड़ा सा बड़ा करेंगे, तो ये इसके बिल्कुल पास थ्रू हो जाएगा, एंड फिर ये इजीली यहाँ पे लग जाएगा। चलो एक बार इसको चेक करते हैं, बोल्ट आ रहा है कि नहीं। ऑलमोस्ट आ ही गया है, इसको सही से कर लेते हैं थोड़ा और गोल, तो परफेक्टली पास हो जाएगा इससे। सो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो बोल्ट प्रॉपरली इसके अंदर जा रहा है, तो ये अपना रेडी हो गया है। अब ऐसे दूसरे वाले को भी कर लेंगे अपन। अब बस कुछ नहीं करना है, सिंपली इसको फिट करेंगे और देखते हैं इसका कमाल कैसा आता है, कैसा लुक आता है। ये अपने मिरर लग गए, अभी फ़िलहाल एंगल मैंने इसको लॉक नहीं किया है, तो ये इसको एडजस्ट कर लेंगे अपने हैंडल बार और विजिबिलिटी के हिसाब से। बाय द वे, अगर आप देखो यहाँ पे, तो जो स्टॉक वाले मिरर हैं और इनमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, मतलब ये जूम नहीं दिखता है यहाँ पे क्लियर, वैसे ही कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे है, सेम वैसे ही यहाँ पे मिल रहा है, तो काफ़ी सिमिलर है। तो अभी इस साइड का भी लगा लेते हैं अपन जल्दी से, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे। वाइब्रेशन टेस्ट, चलो
गाइस अभी जस्ट एक राइड लेके आए अपन, मैं और अनुज। सो हमको जो एक्सपीरियंस मिला है ना, ये मिरर्स सच में लाजवाब है। मतलब क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं है, है ना दक्ष? दक्ष कुछ कहना चाहते हो? दक्ष एंजॉय कर रहा है। सो कैसा लगा अनुज, कैसी क्वालिटी है? तुमने तो रिकॉर्ड किया पूरा वीडियो, मस्त क्वालिटी है, एक नंबर। अच्छा लगा ना? हाँ। अच्छा, सबसे मेन चीज़ जो मुझे लग रही है ना कि अगर हम नाइट में राइड करते हैं ना, तो इन दोनों मिरर में देखो, इसमें जो कलर है ना वो काफ़ी ट्रू कलर दिख रहा है, मतलब बिल्कुल वाइट है, और इसमें थोड़ा डार्क डार्क दिखता था, तो उससे बेटर क्वालिटी है। एंड देखो जूम इन भी ज़्यादा नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको आराम से मैंने भी चेक किया, तो राइड पे भी अच्छा लगेगा। एंड वाइब्रेशन नहीं है, मेन चीज़ तो वो है कि जब आप क्रूज़ कर रहे होते हैं ना 80-90-100 की स्पीड पे, तो ये बहुत ज़्यादा वाइब्रेट होते हैं, तो पीछे जो आ रही होती गाड़ी वो दिखती नहीं है, 3-4 एक साथ दिखती है, मतलब ऐसा इतना वाइब्रेशन होता है। और इसमें तो कोई ऐसा वाइब्रेशन मुझे अभी तक नहीं दिखा नहीं है, मतलब हम ज़्यादा स्पीड पे नहीं गए हैं, 40-50 की स्पीड थी, तो कोई वाइब्रेशन ऐसा नोटिसेबल नहीं है, तो अच्छे हैं मिरर्स। सो वैसे अभी ये जो स्टॉक वाले मिरर थे ना, ये मैंने हटा दिए हैं, एंड इसकी जगह मैंने यहाँ पे ये बोल्ट लगा दिया। ये बोल्ट बड़े मुश्किल से मिला है मुझे, ये देख सकते हो 10mm का बोल्ट है। और ये जो बोल्ट था ना, एक मिरर मैंने लगाया था जब मैं MP टूर पे गया था, MP राइड पे गया था, सो ये वो उस मिरर में से बोल्ट निकाला है मैंने। सो मिरर तो रहा नहीं था, बट ये बोल्ट बच गए थे, तो एक बोल्ट मेरे पास है और दूसरा बोल्ट वो वहाँ रखा हुआ है। तो जंग लग गई थी थोड़ी बहुत, तो उसके ऊपर WD-40 मार दिया अच्छे से बिल्कुल, और यहाँ पे ये मैंने फिट कर दिया। सेम ऐसा मुझे इस साइड भी करना है, तो इसको भी निकालेंगे एंड यहाँ पे वो लगाएंगे, ताकि ये जो अपना है Insta360 है उसके लिए, तो यहाँ पे सेटअप हो जाए। ये देखो, ये वाला जो है ना मेरा मिरर वाला है, तो इसके लिए मेरे को इसको सेम वही काम करना पड़ेगा, इसको हटा के और वो बोल्ट लगाना पड़ेगा। तो देखो, ये वाला जो बोल्ट है और ये वाला जो बोल्ट है ना, इनमें एक जो है वो उल्टा जुड़ी वाला है, तो वो चीज़ आपको देखना पड़ेगा। अगर आपको मिल जाता है बाहर से तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ जो मैं पहले सोच रहा था ना, कि मैं सोच रहा था कि इसको लगा के और यहाँ से कट करने का रॉड को, बट अच्छा है अब मेरे ये मिरर सेव हो जाएंगे, कभी ज़रूरत पड़ी तो मैं वापस से इनको लगा सकता हूँ। सो ये एक अच्छी चीज़ है, तो दोनों मिरर मेरे स्पेयर रह जाएंगे। सो ये अभी जल्दी से मैं इसको लगाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ ओवरऑल कैसा दिख रहा है हैंडल बार। चलो फिट करते हैं इसको एंड फिर दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये आ गया अपना मिरर अलग। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो, इंस्टॉलेशन यहाँ पे प्रॉपर हो चुका है, ये दोनों बोल्ट लगा के किया, क्योंकि थोड़ा सा ना ये दिक्कत दे रहा था, बोल्ट थोड़ा लंबा था, तो यहाँ पे जो स्पेस रहती है ना मिरर की, वो यहाँ पे कवर अप करने के लिए एक बोल्ट मैंने यहाँ पे लगा दिया है, नट यहाँ पे लगाया, और ये वाला तो डायरेक्ट फिट आ गया था। सो ये पूरा कम्प्लीट हो चुका है, मिरर हमने निकाल के वो उधर रख दिए हैं। सो देखो आप किस तरह से लग रहा है, मुझे तो काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है, बार एंड मिरर्स की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। सो गाइस मिरर्स तो लग चुके हैं, अब इसकी परफॉर्मेंस हम चेक करेंगे हाईवेज पे, जब अपनी राइड शुरू होगी नॉर्थ ईस्ट वाली, तो यहाँ पे ये पूरा मिरर्स चेक होंगे किस तरह से काम करेंगे एंड कितना वाइब्रेशन देते हैं, वो भी सब आपको बताऊंगा मैं एज वी राइड थ्रू द नॉर्थ ईस्ट टेरेन। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक कीप वॉचिंग मोटिफाइड व्लॉग्स, स्टे सेफ, राइड सेफ एंड गुड बाय। Change your